मेरे हाथ में एक हिंदी लैंग्वेज का न्यूज़पेपर है जिसमें कि आप नवरात्रा फेस्टिवल की एडवर्टीजमेंट देख रहे हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि इसमें हैरान कर देने वाली क्या बात है, वो मैं आपको बताता हूँ कि हिंदी के अखबार में इंग्लिश की इतिहास इंग्लिश की एडवर्टीजमेंट। मैं आपको बता दूं कि राष्ट्रीय भाषा हिंदी है हमारी, और जम्मू कश्मीर यूटी बनने के बाद 5 भाषाओं को ऑफिशियली भाषा का दर्जा दिया गया था। हम कैसे मान लें कि गवर्नमेंट सेक्टर में अगर इस तरह की एड्स दी जाएंगी कि हिंदी के अखबार में इंग्लिश की एड्स, तो हम कैसे मान लें कि हमारी हिंदी भाषा को प्रमोट किया जा रहा है। जम्मू कश्मीर यूटी बनने के बाद 5 भाषाओं को ऑफिशियली दर्जा दिया गया था, जिसमें कि इंग्लिश, हिंदी, डोगरी, पंजाबी और उर्दू हम अपने ऑफिसेज में यूज़ कर सकते हैं। लेकिन आप मुझे बताइए कि जब आप हिंदी के अखबार में इंग्लिश की ऐड देंगे तो हम ये कैसे मान लें कि गवर्नमेंट सेक्टर यानी कि सरकारी दफ्तरों में हिंदी को प्रमोट किया जा रहा है। हालांकि आप सभी लोग जानते हैं कि हिंदी हमारी राष्ट्रीय भाषा है, और बहुत बार ऐसा कहा जाता है कि आप इंग्लिश भाषा का प्रयोग कम करें, हम लोग डोगरे हैं तो डोगरी भाषा हो जितनी हो सके उतनी ज़्यादा हम इस्तेमाल कर सकें। भाषा कोई भी गलत नहीं है, हमें हर एक भाषा बोलनी आनी चाहिए, क्योंकि हम हिंदुस्तान में रहते हैं तो इसलिए हमें हिंदी ज़्यादा बोलनी चाहिए, जम्मू में रहते हैं तो डोगरी ज़्यादा बोलनी चाहिए। लेकिन ये तस्वीरें देख कर हम लोग हैरान हो गए कि ये ट्रांसलेट भी हो सकता था। हम लोग नवरात्रा फेस्टिवल मनाने जा रहे हैं, कल नवरात्रे शुरू होने वाले हैं तो नवरात्रा फेस्टिवल मनाने जा रहे हैं, और देश भर से लोग माँ वैष्णो के दर्शनों के लिए आएंगे, तो होर्डिंग्स अगर देखी जाए तो होर्डिंग्स में भी हम लोग ज़्यादातर इंग्लिश का प्रयोग करते हैं, तो हिंदी को हमें प्रमोट करना चाहिए था। इस लाइव सेगमेंट का मतलब यही था, यही दिखाना चाहते थे कि हिंदी अखबार में कहीं ना कहीं जो इंग्लिश का प्रयोग किया गया है तो इसे ट्रांसलेट किया जा सकता था। टूरिज्म डिपार्टमेंट की तरफ से और श्राइन बोर्ड की तरफ से ये ऐड दी गई है नवरात्रा फेस्टिवल को लेकर। तो हमने जब ये तस्वीरें देखी तो हमें बहुत अफसोस हुआ, और मुझे लगा कि हमें अपने व्यूवर्स के साथ ये जो शेयर करना चाहिए। तो इसीलिए आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, और द यूनिक के साथ इसी तरह जुड़े रहें। कैमरामैन रोहित सेन के साथ मैं अतुल गुप्ता, धन्यवाद।